Hello everyone, welcome back. So class 12, in this class we are going to start our new topic of macroeconomics chapter 2. Okay, so let's start. So today's topic is concept and component of consumption expenditure. Okay, so today's topic is concept and component of consumption expenditure. So first of all, consumption expenditure means कंजप्शन मीन्स टू कंज्यूम. जब हम किसी सामान को कंज्यूम करते हैं तो उसी को कंजप्शन कहते हैं. एंड एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंस. ओके, सो जो कंसेप्ट और कंपोनेंट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का वो क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कंजप्शन कौन करता है. कंजप्शन करते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ. हाउस होल्ड कौन हुआ? हम लोग, जो हम कंज्यूमर हैं. हम हाउस होल्ड में जो भी सामान खरीदते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम कंज्यूमर हो गए. सेकंड, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट किसके लिए सामान खरीदती है? फॉर एग्जांपल आर्मी है, जो डिफेंस है, गवर्नमेंट उनके लिए सामान खरीदती है, उनके खाने के लिए सामान खरीदती है, जो मिड डे मील स्कूल में चला रही है उनका राशन खरीदती है, तो गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो गई. एनजीओ, एनजीओ आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या फिर टेंपल्स हो गए, या फिर कोई चर्च हो गया, कोई भी ऐसी संस्था जो वेलफेयर पे काम करती है वो भी सामान खरीदती है चैरिटी करने के लिए. ठीक है, तो ये तीन टाइप के लोग हमारे पास कैटेगरी आ गई है जो कि कंज्यूमर है. एक होती है हाउस होल्ड, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है एनजीओ, या फिर आप इसे टेंपल या चर्च कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इससे हमारी जो डेफिनेशन निकलती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वो क्या निकलती है? रेफर टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी. एग्रीगेट मतलब टोटल, यानी इन तीनों का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा कंजप्शन के ऊपर उसी को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं. ठीक है, जो इन तीनों का टोटल क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा कंजप्शन के ऊपर, उसी को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं. ओके, यहां पर मैंने लिखा भी है हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस एनजीओ इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नाउ बात करते हैं जो दूसरा कंसेप्ट है हमारा आज का, वो है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अभी हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करी, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट है क्या. देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट को एज ए नॉर्मल लाइफ में देखें तो इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं? हम पैसा तब आगे लगाते हैं जब हमें उससे फायदा हो. ठीक है, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि उससे हमारे को क्या हो? फायदा हो. जो हमने पैसा लगाया है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बन के हमारे पास वापिस आए. ये तो हमारा नॉर्मल एक एज एन हम जो ह्यूमन बीइंग है इन्वेस्टमेंट इस पर्पज से करते हैं. लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसमें कंसेप्ट क्या कहता है इन्वेस्टमेंट का, कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड इन अकाउंटिंग है. ये इकोनॉमी के हिसाब से है कि हम जितनी प्रोडक्शन करते हैं किसकी? कैपिटल गुड. अब ये कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था वो गुड्स हैं जो कि कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर यूज करता है कैपिटल गुड्स. ठीक है, सो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड इन एन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है आपको पता है? कौन सा? अप्रैल टू मार्च. यानी हम क्या कर रहे हैं? जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल गुड की अप्रैल टू मार्च में, इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे इकोनॉमी की नजर से. क्लियर? यहां पर जो कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमने इसको शो करते हैं हम आई इज इक्वल टू डेल्टा के से. किससे शो करेंगे? आई इज इक्वल टू डेल्टा के. यहां आई का मतलब तो होता है इन्वेस्टमेंट, के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक, और डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक. ये इसका एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए आप, आई इज इक्वल टू डेल्टा के. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ स्टॉक, डेल्टा के इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक. यहां इन्वेस्टमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. वो दो पार्ट कौन से हैं जरा ढंग से समझेंगे. पहला पार्ट हमारे पास आता है फिक्स इन्वेस्टमेंट का. ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में हम बाद में जाएंगे, पहले चीज को समझते हैं. फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स एसेट है. तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कभी हम अपने स्टॉक को बढ़ाते हैं रिलेटेड टू फिक्स एसेट. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को मेरे पास 8 प्लांट एंड मशीनरी है, यानी 8 मशीन्स हैं जिनसे मैं प्रोडक्शन करता हूँ. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी जब मार्च में मेरा साल खत्म होने वाला है उससे पहले मैंने 2 और मशीन परचेज कर ली और अब मेरे पास टोटल मशीन कितनी हो गई है? 10.
ठीक है, टोटल मशीन कितने हुए मेरे पास 10। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं देखूंगा कि मेरे पास टोटल क्या होते हैं, मेरे पास जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एट द स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर, जो दोनों हमारे पास मशीन है, यानी स्टार्टिंग इन द बिगनिंग में मेरे पास 8 मशीन थी और एंड में मेरे पास कितनी है 10। तो 10 माइनस 8 जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। ये मेरी हो जाएगी फिक्स इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर के लिए ये मेरी हो जाएगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेसिकली ये फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट अधिकतर जो करते हैं वो करते हैं प्रोड्यूसर्स। क्लियर, अगर बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस की फिक्स इन्वेस्टमेंट की, तो रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी, देखिए जितनी ज्यादा मशीन होगी उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहला सिग्निफिकेंस, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, हाई लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब जो भी आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम आउटपुट दे रहे हैं मशीन से, वो क्या होगा, हाई लेवल का होगा, यानी क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज जीडीपी, जीडीपी मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब होता है कि एक देश में एक साल, यानी कोई भी एक साल या गिवन पीरियड में कितनी प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन होती है वही जीडीपी के अंडर में आती है। तो जैसे जैसे मशीन्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट आता है, वो आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक भी कहते हैं, यानी वो चीज जब हम जहां पर अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या होगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल गुड्स। यानी यहां पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब मैं स्टॉक कर रहा हूं, किस चीज को स्टॉक कर रहा हूं, फिनिश प्रोडक्ट को, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को, इनको जब मैं स्टोर करके रख रहा हूं, इसी को हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो अनइंटरप्टेड सप्लाई, देखिए जब हमारे पास स्टॉक बना हुआ रहेगा, बफर स्टॉक हमारे पास पहले से रहेगा जिसमें हमारे पास सारा सामान हमने स्टोर करके रखा है, तो इसकी सप्लाई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब जिसकी जैसी डिमांड आएगी वो गुड्स हम उसको दे सकेंगे, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड, इनफ स्टॉक फॉर यूज बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास बफर स्टॉक होगा और प्रोड्यूसर को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, और हमने इसका स्टॉक पहले से बना रखा है रॉ मटेरियल का, तो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, इजीली उस स्टॉक को यूज करेगा और प्रोडक्शन करेगा, और या फिर वो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अपने पास भी रॉ मटेरियल का स्टॉक बना के रख सकता है, क्योंकि उसको तो प्रोडक्शन पूरे साल भर करनी है, तो उसने क्या कर, वो क्या कर सकता है, प्रोडक्शन जब उसने पूरे साल भर प्रोडक्शन करनी है तो वो स्टॉक बना के रख देगा रॉ मटेरियल का, और टाइम आने आने पर जैसे टाइम आता रहेगा वो अपने रॉ मटेरियल को यूज करता रहेगा। इससे उसे फायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर उस प्रोडक्ट यानी उस रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने पहले ही उसे कम दाम पे स्टॉक करके रखा हुआ है। ओके, सो आज का जो हमारी क्लास थी वो थी कंपोनेंट एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसे क्लियर करूंगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करें।